दोस्तों, की हालचाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीबी 30 वाला। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज करोड़ों सालों बाद वो दिन आ चुका है जिसका हम वेट कर रहे थे। अगली करोड़ों सालों बाद आज हम अपनी बाइक चलाएंगे क्यों? बिकॉज सर्विस करवाने जाना है। सर्विस टाइम हो चुका था, टाइम नहीं मिल पा रहा था सर्विस करवाने के लिए, तो उसी के लिए आज करोड़ों सालों बाद मैं चलाऊंगा अपनी ब्लू ब्यूटी को, और साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा, सर्विस कॉस्ट भी बताऊंगा। 70 किलोमीटर रह चुका है बठिंडा, लेकिन रास्ते में हमें एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना है अपने कॉलेज बाबा फ्रीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बठिंडा देओन में। तो अब यहाँ से जल्दी से चलते हैं, अब टाइम हो चुका है जाने का अपनी ब्लू ब्यूटी को चलाने का। तो अब मिलते हैं आपको एक्शन कैम मोड, हेलमेट मोड। सो गाइस, वेलकम बैक टू एक्शन कैम मोड। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, करोड़ों सालों बाद हम लोग चला रहे हैं अपनी ब्लू ब्यूटी को और इसकी करवाने जा रहे हैं सर्विस। काफ़ी टाइम से भूखी हुई पड़ी थी, इसको सर्विस करवानी थी, तो इसीलिए इसको ज़्यादा नहीं चला रहे थे। ये डर्टी भी काफ़ी हुई पड़ी है, आज इसको वॉशिंग भी करवाएंगे। हमारी ब्लू ब्यूटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है अब, ये काफ़ी खर्चा करवाती है, लेकिन चला मज़े भी हमें ही देती है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब मज़े हम लेते हैं तो खर्चा भी तो हम ही करेंगे। इसको अब वॉश भी करवाएंगे प्रॉपर। तो हम लोग मुक्सर में पहुंच चुके हैं, अब यहां से जाते हैं बाईपास बठिंडा की तरफ। सिटी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, तो हम टाइम को मैनेज करते हुए सिटी में नहीं जा रहे हैं, सीधा जाएंगे बाईपास होते हुए बठिंडा। सो वी आर बैक ऑन दी बठिंडा मुक्सर हाईवे। अगर आपको याद हो तो स्पीति वैली जाने के लिए मैंने इसी रूट से गया था, और फिर बाइक जब लाया था तब भी इसी रूट से ही गया था, और आज भी इसी रूट से जाएंगे, और अगली राइड भी इसी रूट से ही करेंगे। कहाँ पे जा रहे हैं ये अभी तक डिसाइड नहीं है। उसके लिए अगर आपको पहले जाना है इस पर तो वीडियोज़ आएंगी, बाद में जब मैं राइड से वापस आ जाऊँगा, अगर उसकी वीडियोज़ आपको जाओ फिर उसकी अपडेट्स चाहिए तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, तो फॉलो कर लेना। उसके ऊपर हम लोग स्टोरीज डालते रहते हैं, आज भी हमने स्टोरी डाली है अभी थोड़ी देर पहले। इंस्टाग्राम पे तो हम लोग अपडेट रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे स्टोरी शूट करो अपलोड कर दो, यहाँ पे पहले वीडियो बनाओ फिर एडिट करो और फिर अपलोड करते हैं। तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी है PB30 वाला रजत। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक पार्सल आ रहा है, वो सर्विस के टाइम तक आ जाएगा और तब यूज़ होगा, लेकिन अभी तक वो पार्सल नहीं आया है। पहले मुझे सर्विस करवाने जाना था मंडे, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ और अभी तक वो पार्सल मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो उसके बगैर ही जा रहा हूँ। बेसिकली वो क्या है वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, अब उसकी अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। उस पार्सल में बेसिकली था हेलमेट्स के माउंट्स, एक माउंट यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है, एक बाइक के पीछे लगाना है, तो वो माउंट्स थे जहाँ पे हम कैमरा लगा सकते हैं, तो वो माउंट अभी तक नहीं आए। मेरा प्लान था कि सर्विस से पहले तक लगा लेंगे, लेकिन अब सर्विस के बाद घर पे जाएंगे और फिर कभी लगाएंगे और उसके बाद ही राइड पे जाएंगे, वो माउंट्स आ जाएंगे एक दो दिन में। उसकी डिलीवरी थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें कौन सा आज ही राइड पे जाना था, इसीलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिए थे। बाकी सामान आ चुका है आपने देख लिया, लेकिन माउंट्स अभी बाकी है। अभी अभी कैमरा की बैटरी लो हो गई थी, पता नहीं ऑडियो रिकॉर्ड हुआ होगा या नहीं, इसको डालते हैं वापस से केस में। और अब निकलते हैं वापसी रूट पे, पता नहीं पिछली क्लिप में रिकॉर्ड हुआ भी होगा या नहीं कुछ, इसको बैग में बंद करते हैं और फिर निकलते हैं, बिकॉज ऐसे ही मैं एक बार ग्लव्स खो चुका हूँ। लास्ट टाइम स्पीति में मैंने पेट्रोल का रिफिल करवाया था और उसके बाद ग्लव्स ऐसे ही रख दिए थे और फिर निकल पड़ा था और खो गए थे। अब थोड़ा उसके बाद ध्यान रखने लगा हूँ, लेट्स गो। इसका फ्यूल भी कम हो रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बठिंडा पहुंच जाएगा, वापसी में रिफिल करवा लेंगे या फिर जाके करवा लेंगे। ये
ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਬ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਹੀਂ ਪੇ ਢੂੰਢ ਕੇ, ਤੋ ਅਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਚਲਤੇ ਅੰਦਰ। ਅਬ ਇਸ ਕੈਮਰਾ ਕੋ ਯਹੀਂ ਪੇ ਉਤਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ ਅੰਦਰ ਹਮ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਤੇ ਹੈ। ਹਮ ਲੋਕ ਕਾਲਜ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤੇ ਔਰ ਆਪਸ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਯਾਮਾਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਾਸ ਯਾਮਾਹਾ। ਅਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਥਰਮਲਸ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹਮ ਲੋਕ ਬਰਾਸ ਯਾਮਾਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ, ਅਬ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈਂ ਸਰਵਿਸ। ਹਮ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ ਯਾਮਾਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਵੇਟਸ ਵੇਟਿੰਗ ਲੌਂਚ ਮੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 6:30 ਔਰ ਮੁਝੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਭੀ ਘਰ, ਘਰ ਜਾਣੇ ਮੇਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਬ ਜਲਦੀ ਸੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਮਾਰੀ ਬਾਈਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਊਲ। ਅਬ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਡਲਵਾਏਂਗੇ ਇਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ। ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ। ਯੇ ਬਾਤ ਹੈ ਭਈਆ, ਯੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੇਂ ਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਤਾ ਇਸ ਬਾਈਕ ਕੋ ਉਡਾਨੇ ਕਾ। ਇੱਕ ਔਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਨਿਕਲਨੇ ਕੇ ਯਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੇ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਈਕ ਰੀਫਿਊਲ, ਰੀਫਿਊਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਭੀ ਰਾਸਤੇ ਕਾ ਸੀਨ ਐਸਾ ਤੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤੋ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹੀਂ ਰੁਕਨੇ ਕਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਹੀ ਪਲਾਨ। ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਆ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਕੋਸਟ ਬਤਾਨੀ ਥੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਕੋਸਟ ਕਿਆ ਆਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਲਗਭਗ 800 ਰੁਪਏ। 800 ਰੁਪਏ ਮੇਂ ਇੰਜਨ ਓਇਲ ਡਲਵਾ ਲੀ ਹਮਨੇ, ਓਇਲ ਫਿਲਟਰ ਨਿਆ ਡਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਚੇਨ ਲਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਕੋਸਟ ਹੈ 800 ਰੁਪਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਯਹੀ ਸਰਵਿਸ ਪੇਡ ਹੋਗੀ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਪੇਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਪੇਡ ਸਰਵਿਸ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 350 ਰੁਪਿਆ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਵੋ ਇਸ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੋ ਲੇਬਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ 350 ਰੁਪਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਤੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਹਾਂ ਪੇ 800 ਲੱਗਿਆ ਵਹਾਂ ਪੇ 1150 ਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡਨ।
हो जाएगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।